द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत संघ और जर्मनी के बीच दुनिया की अब तक की सबसे खूनी लड़ाई थी। लड़ाई और आने वाला अकाल और प्रतिकूल परिस्थितियों में 1.5 मिलियन से भी अधिक सैनिक और नागरिक मारे गए। दो तानाशाहों की जिद, यही वजह थी कि ये संघर्ष इतना खूनी था। वीडियो जर्मन सोवियत युद्ध की पुरानी लड़ाई और दोनों पक्षों की रणनीति के बारे में है। 1940 के दशक के मध्य तक पश्चिमी यूरोप लगभग पूरी तरह से जर्मन हाथों में था। हिटलर और स्टालिन, जो कड़वे दुश्मन थे, ने मिलकर पोलैंड को जीत लिया, लेकिन ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला। हिटलर न केवल एक प्रबल कम्युनिस्ट विरोधी था, बल्कि सोवियत संघ पर अधिकार करने की उसकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाएं भी थीं। सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र और उसके प्राकृतिक संसाधनों को जर्मन लोगों के विकास के लिए आवश्यक माना जाता था। 1930 के दशक के अंत तक सोवियत संघ के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक थी, लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ के हिस्से के रूप में स्टालिन ने सोवियत सेना में कई वरिष्ठ और अनुभवी जर्नलों और अधिकारियों को हटा दिया या जेल में भेज दिया। इसलिए उस समय सोवियत संघ के पास युद्ध कौशल और अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला वाले अधिकारी नहीं थे। स्टालिन किसी भी तरह से जर्मनी को उलझाना नहीं चाहता था, क्योंकि सोवियत सेना उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए पोलैंड पर आक्रमण के बाद से सोवियत संघ जर्मनी का सहयोगी बना रहा। दूसरी ओर जर्मन सेना के अधिकारियों को न केवल प्रथम विश्व युद्ध की सेना का नेतृत्व करने का अनुभव था, बल्कि बेहतरीन हथियार भी थे। जर्मनी ने इस ऑपरेशन के लिए करीब 40 लाख सैनिकों को तैयार किया, जिसमें मित्र राष्ट्र भी शामिल थे। इसके अलावा लगभग 3000 युद्धक विमान और 6000 से अधिक टैंक उनकी मदद के लिए तैनात किए गए थे। जर्मन जनरलों ने सोवियत संघ को जीतने के लिए एक बहुत व्यापक योजना बनाई थी। इरादा 3 अलग अलग बंदरगाहों को खोलने का था। पहला, सेना समूह उत्तर बाल्टिक राज्यों के माध्यम से उत्तरी रूस में मार्च करते हुए लेनिनग्राड शहर पर कब्जा या नष्ट कर देता है। फिर उनके सहयोगी फिनलैंड की सेनाओं से मिलें। यही इस इकाई का उद्देश्य था। दूसरा, आर्मी ग्रुप सेंटर को स्मोलेंस्क और फिर मॉस्को पर विजय प्राप्त करके रूस के केंद्र के माध्यम से पोलैंड में शुरू होकर रूस के दिल की भूमि पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। इस डिवीजन ने जर्मनी को सबसे बड़े संख्या में टैंक और लड़ाकू विमान प्रदान किए। तीसरा, आर्मी ग्रुप साउथ का मुख्य उद्देश्य तेल समृद्ध काला सागर क्षेत्र को नियंत्रित करना था। इसके अलावा इस सैन्य समूह को यूक्रेन को जीतने का काम सौंपा गया था, जो यूएसएसआर की मुख्य आबादी और कृषि केंद्र था। 1941 तक जर्मनी ने सोवियत आक्रमण के लिए यूरोप में विभिन्न हिस्सों में तैनात अपनी सेनाओं को फिर से तैनात करना शुरू कर दिया था। लेकिन स्टालिन का मानना था कि जर्मनी, जो अभी भी एक सहयोगी था, उन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन 21 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ब्लिट्ज़क्रीग या बिजली की तरह अचानक हमला, जिसका पोलैंड और फ्रांस में बहुत सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ में भी लागू किया गया था। एक ऐसे दुश्मन का मनोबल गिराएं जो एक आश्चर्यजनक हमले से पीछे हट जाता है और उसे वापस लड़ने का मौका दिए बिना हमला करना जारी रखता है। इसके साथ उन्हें जल्दी से वश में करें, ये ब्लिट्ज़क्रीग की रणनीति है। लुफ्तवाफा द्वारा लगातार बमबारी के तहत सोवियत सैनिकों को एक तेज पिंसर आंदोलन में घेरने के लिए पहला कदम पैंजर टैंकों का उपयोग करना था। जर्मन पैदल सेना द्वारा घिरे सोवियत सैनिकों को आसानी से वश में कर लिया गया। युद्ध के पहले हफ्ते में इस प्रकार के ब्लिट्ज़क्रीग ने जर्मन सेना को सोवियत क्षेत्र के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ने की अनुमति दी। सभी विजित शहरों से जर्मनों द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बना लिया गया था। उन्होंने उनमें से कई को बेरहमी से मार डाला। उस समय तक अकेले जर्मनी से लड़ने वाले ब्रिटेन को सोवियत संघ के हमले की खबर बड़ी राहत के साथ मिली थी। चर्चिल ने घोषणा की कि जर्मनी का कोई भी शत्रु उनका मित्र होगा। यद्यपि वे राजनीतिक रूप से आमने सामने थे, ब्रिटेन वे सब भूल गया और सोवियत संघ को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार था। महीनों के भीतर जर्मन सेना सोवियत संघ के कई प्रमुख शहरों पर कब्जा करने में सक्षम थी। सितंबर 1941 में आर्मी ग्रुप नॉर्थ ने लेनिनग्राड को घेर लिया। जर्मनी ने सीधे हमले से लेनिनग्राड को नष्ट नहीं किया, जो रूस के बाकी हिस्सों से अलग हो गया था। कस्बे में फंसे सैनिकों और नागरिकों के पास केवल दो विकल्प थे, आत्मसमर्पण या भूख से मौत। लेनिनग्राड में लाखों लोग भूख से मर गए।
आर्मी ग्रुप सेंटर तेजी से आगे बढ़ रहा था, पूरे स्मोलेंस्क पर कब्जा कर रहा था। जनरल गुडेरियन के नेतृत्व में एक पेंजर डिवीजन ने स्मोलेंस्क में ब्रिट्स क्रीग में 3,00,000 से अधिक सोवियत सैनिकों को हराया। वहां से ये मॉस्को के लिए सिर्फ 300 किलोमीटर से थोड़ा अधिक दूर था। मॉस्को का पतन लगभग निश्चित था। जब जर्मनी ने सोचा कि उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, तो पहली बाधा सामने आई। शुरू में आर्मी ग्रुप साउथ की बढ़त भी बहुत तेज थी। पश्चिमी यूक्रेन के लोग, जो सोवियत सेना के द्वारा पिछले दमन से नाराज थे, जर्मन सेना का बहुत गर्म जोशी से स्वागत किया। जर्मन सेनाओं का सामना करने वाला पहला बड़ा गतिरोध कीव में था। 5,00,000 से अधिक सोवियत सैनिकों ने कीव में जर्मनी का सामना किया। ये केवल तभी हुआ जब गुडेरियन के पेंजर डिवीजन, जो मॉस्को की ओर बढ़ रहा था, को कीव में धकेल दिया गया था कि जर्मन सोवियत रक्षा के माध्यम से तोड़ने में सक्षम थे। जर्मनी ने कीव में 2,50,000 सोवियत सैनिकों को बंदी बना लिया। इस बीच पेंजर डिवीजन के समर्थन के नुकसान से मॉस्को की ओर जर्मन अग्रिम धीमा हो गया था, इसलिए गुडेरियन के पेंजर डिवीजन को स्मोलेंस्क में वापस ले लिया गया और जर्मनों ने मॉस्को पर कब्जा करने के लिए एक अंतिम अभियान की योजना बनाई। पेंजरों ने एक बार फिर बिजली की तरह अचानक हमले से अपनी क्षमता साबित की। कई सोवियत सैनिकों को वहां भी बंदी बना लिया गया था। इस बीच स्टालिन ने आखिरी क्षण तक मॉस्को की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। स्टालिन ने रूसी लोगों से मातृभूमि को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। फिर मॉस्को के सभी लोगों ने जर्मन सेना से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन अक्टूबर में शुरू हुई भारी बारिश ने जर्मनी के मॉस्को की ओर बढ़ने में बाधा डाली। जर्मन सेना के काफिले कीचड़ के गड्ढों में फंस गए थे। बारिश और हिमपात ने जर्मन टैंकों का हिलना असंभव बना दिया। साथ ही उन्हें जरूरत का सामान भी ठीक ठाक पहुंच गया। इसके साथ ही जर्मन अग्रिम को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। केवल 2 सप्ताह बाद ही जर्मन सेना मॉस्को की ओर अपनी प्रगति जारी रखने में सक्षम थी। लेकिन जर्मन आक्रमण में यह विराम वास्तव में सोवियत संघ के लिए एक वरदान था। इससे उन्हें रिजर्व में बलों को तैयार करने और बेहतर रक्षा स्थापित करने का समय मिला। नवंबर के मध्य में मॉस्को की ओर जर्मन सेना की प्रगति फिर से शुरू हुई। उनकी योजना मॉस्को पर 3 दिशाओं से हमला करने की थी, लेकिन जर्मन सेना की प्रगति धीमी थी। दिसंबर के पहले सप्ताह तक आर्मी ग्रुप सेंटर मॉस्को के 8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था। कुछ जर्मन अधिकारियों ने यह भी बताया कि वे क्रेमलिन के सुनहरे गुंबद देख सकते थे, लेकिन तब तक रूस की भीषण सर्दी शुरू हो चुकी थी। हालांकि जर्मन सैनिक अच्छी तरह प्रशिक्षित थे, लेकिन वे रूस में -40 डिग्री तापमान में लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। चूंकि युद्ध गर्मियों में शुरू हुआ था, इसलिए उनके पास कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए कपड़े भी नहीं थे। इसके अलावा भारी हिमपात के कारण उपकरण निष्क्रिय हो गए और वाहन गतिहीन हो गए। लुफ्टवाफा खराब मौसम में काम करने में असमर्थ होने के कारण जर्मन अग्रिम लगभग असंभव हो गया। रूस के दूसरी ओर सोवियत संघ को अभी भी साइबेरियाई क्षेत्र पर जापानी आक्रमण की आशंका थी, इसलिए वहां करीब 15,00,000 सैनिकों की एक विशाल सोवियत सेना तैयार रखी गई। इन सैनिकों को कठोर सर्दियों में लड़ने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन स्टालिन को एजेंटों के माध्यम से पता चला कि जापान की सोवियत संघ पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी। जल्दी ही सोवियत संघ ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे के माध्यम से इस विशाल बल को पश्चिमी मोर्चे पर पहुंचाया। जैसे ही इस बल के 5,00,000 और सैनिक मॉस्को पहुंचे, सोवियत सेना ने जर्मन सेना के खिलाफ एक भयंकर जवाबी हमला किया। केवल 7 दिनों में उन्होंने जर्मन सेना को मॉस्को से लगभग 250 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। मॉस्को पर कब्जा करने की लड़ाई में जर्मन सेना ने 8,00,000 से अधिक लोगों की जान गंवाई। इस बीच आर्मी ग्रुप साउथ, जो कीव से लौटा था, काला सागर की ओर बढ़ गया था। जर्मनी ने शुरू में काला सागर क्षेत्र में तेल जमा को जब्त करने की योजना बनाई थी। इस कदम का उद्देश्य जर्मनी को आवश्यक तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना और इसे सोवियत संघ से रोकना था। लेकिन हिटलर ने इस सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया और एक समूह को काला सागर और दूसरे समूह को स्टालिनग्राद में भेज दिया। हालांकि इसका कोई रणनीतिक महत्व नहीं था, लेकिन हिटलर द्वारा स्टालिनग्राद में सैनिकों को भेजने के पीछे केवल एक ही दृष्टि थी, हिटलर की स्टालिन से नफरत।
हिटलर ने माना कि स्टालिन के नाम पर शहर पर कब्जा करना उसका अपमान करने के समान होगा। हिटलर मॉस्को से जर्मन सेना की रणनीतिक वापसी से नाराज था। हिटलर ने इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए जनरल गुडेरियन समेत करीब 35 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने सेना को चेतावनी दी कि उस वक्त से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि आगे बढ़ने में असमर्थ होने पर आदेश जहां स्थित है वहां मौत तक लड़ने का था। अगस्त 1942 तक आर्मी ग्रुप साउथ के पेंजर डिवीजन ने डॉन नदी को पार किया और स्टालिनग्राड के 97 किलोमीटर के भीतर पहुंच गया। इस बीच पेंजरों को पैदल सेना को पकड़ने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ा। सोवियत सेना और लोगों ने इस अवसर का अच्छा उपयोग किया। उन्होंने शहर के चारों ओर सुरक्षा का निर्माण किया। सोवियत ने शहर पर कब्जा करने पर जर्मन सेना के किसी भी काम की होने वाली हर चीज को हटा दिया या नष्ट कर दिया। लुफ्तवाफा ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में शहर पर बमबारी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में जर्मन सेना ने तोपखाने से भी जोरदार गोलाबारी की। इन हमलों के पीछे जर्मन सेना ने सितंबर के मध्य में स्टालिनग्राड में प्रवेश किया। इस बीच अन्य जर्मन सेना डिवीजन शहर के बाहरी इलाके में सोवियत सेना से लड़ रहे थे। प्रारंभ में जर्मन सेना का पलड़ा भारी था। छोटे सोवियत संघ जर्मनी के श्रेष्ठ बम वर्षकों, टैंकों और तोपखाने के साथ तालमेल नहीं बिठा सके। ये इस तथ्य के कारण है कि जब जर्मनी ने युद्ध की घोषणा की तो सोवियत संघ युद्ध के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब तक जर्मन आक्रमण शुरू हुआ, सोवियत संघ ने अपने सभी कारखानों और अन्य सामरिक संस्थानों को पूर्वी क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया था। 1942 में स्टालिनग्राड की लड़ाई के दौरान इन विशाल कारखानों ने परिचालन फिर से शुरू किया। इल्यूजनल 2 विमान और T-34 टैंक, जिनका इस्तेमाल जर्मन टैंकों को नष्ट करने के लिए किया गया था, का उत्पादन यहां किया गया था। सोवियत संघ ने हर महीने हजारों विमानों और टैंकों का उत्पादन किया। साथ ही उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से हथियार उत्पादन आदि में काफी मदद मिली। सोवियत संघ ने स्टालिनग्राड में युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जर्मनी का लाभ बहुत शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करके दूर से हमला करने का था, लेकिन स्टालिनग्राड शहर में प्रवेश करने पर उन्होंने वह लाभ खो दिया। इसके साथ ही सोवियत संघ ने शहरी युद्ध की रणनीति का आविष्कार किया। बमबारी वाली इमारतों के अंदर छिपे सोवियत स्नाइपर्स ने जर्मन सैनिकों को आसानी से निशाना बनाना शुरू कर दिया। सितंबर के मध्य से नवंबर की शुरुआत तक जर्मनों ने शहर पर 3 बड़े हमले किए, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ा। हालांकि जर्मनी ने हमले में कई सोवियत सैनिकों को मार डाला, लेकिन कहीं से भी अधिक सोवियत सैनिक बंदरगाह पर पहुंचते रहे। लुफ्तवाफा के भारी हमले के बावजूद सोवियत संघ द्वारा वोल्गा नदी के माध्यम से शहर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गई। जर्मन सेना स्टालिनग्राड में प्रवेश करने में सक्षम थी, लेकिन आपूर्ति लाइनें स्थापित नहीं कर सकी। जर्मनी को विश्वास था कि स्टालिनग्राड जल्दी ही गिर जाएगा। सोवियत संघ गुप्त रूप से युद्ध के मैदान में 100 लाख से अधिक की एक और विशाल सेना ला रहा था। लगभग 1000 T-34 टैंक और IL-2 लड़ाकू विमानों से युक्त इस बल ने बड़े पैमाने पर हमला किया। विडंबना ये थी कि इस सेना ने बिजली के झटके में जर्मन सेना को दोनों ओर से घेर लिया। लगभग 3 लाख जर्मन सहयोगी सैनिक सोवियत सेनाओं से घिरे हुए थे। पर्याप्त भोजन, ईंधन और गोला बारूद के बिना जर्मन सेना अधिक समय तक टिक नहीं सकती थी। इस बल के जनरल ने जवाबी हमले में हिटलर से पीछे हटने की अनुमति मांगी, लेकिन मना कर दिया गया। ये वादा किया गया था कि लुफ्तवाफा द्वारा उन्हें आवश्यक आपूर्ति को एयरड्रॉप किया जाएगा, लेकिन कठिन सोवियत रक्षा के साथ ये काफी असंभव था। लुफ्तवाफा प्रतिदिन 700 टन के बजाय केवल 70 टन देने में सक्षम था। बहुत से लोग बिना पर्याप्त भोजन या कपड़ों के मर गए, जो उसके बाद आने वाले कठोर सर्दियों के महीनों का सामना करने के लिए थे। शेष 1 लाख जर्मन मित्र देशों की सेना ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उनमें से केवल 5,000 ही जर्मनी लौटे। स्टालिनग्राड में शानदार जीत सोवियत सेना के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे उत्साहित होकर सोवियत सेना ने जर्मन सेनाओं को हर जगह पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसके बाद सोवियत सेना ने काला सागर क्षेत्र में जर्मन सेना समूह को घेरने का फैसला किया।
ये महसूस करते हुए कि यदि सोवियत सेना से घिर गए तो उनका नतीजा स्टालिनग्राद जैसा ही होगा, जर्मनों ने उन्हें वापस लेने के लिए कहा। पीछे हटने वाली जर्मन सेना कुर्स्क और खारकोव में तैनात थी। कुर्स्क और खारकोव सोवियत संघ पर आक्रमण करने के अंतिम जर्मन प्रयास थे। सोवियत संघ के T-34 से बेहतर टाइगर टैंक और पैंथर टैंक पहले से ही जर्मन सेना का हिस्सा थे। योजना कुर्स्क और खारकोव से टैंकों के साथ सोवियत सेना पर हमला करने और एक पिंसर अग्रिम में डुबोने की थी, लेकिन सोवियत संघ को इस योजना के बारे में जासूसों के जरिए जानकारी थी। फिर उन्होंने टैंकों से रक्षा के लिए बारूदी सुरंगों और जालों से भरी बड़ी खाइयां स्थापित की। इस सोवियत जाल में जर्मनी ने हमला किया था। जर्मनी ने वहां 50,000 से अधिक सैनिक और 700 से अधिक टैंक खो दिए। उसके बाद जर्मनी कभी भी पूर्वी मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ। युद्ध में सोवियत संघ का नुकसान जर्मनी के नुकसान का दुगना था, लेकिन सोवियत जीत का मुख्य कारण ये कारण था कि तब भी युद्ध के मैदान में अधिक सैनिकों और हथियारों को पहुंचाने में सोवियत संघ सक्षम था। यदि हिटलर की मूर्खता सोवियत संघ पर आक्रमण ना करती तो आज इतिहास की धारा कुछ और ही होती। अपने शक्ति में अति आत्मविश्वास और हट ने जर्मनी का पतन का मार्ग प्रशस्त किया। पर्ल हार्बर पर जापान के हमले ने इस गिरावट को और बढ़ा दिया। तब तक जर्मनी अमेरिका के साथ सीधे युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जापान के अकल्पनीय हमले से जर्मनी को भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। अगला वीडियो जापान द्वारा गुप्त रूप से किए गए पर्ल हार्बर हमले के बारे में है।